तो आसिफ खान हिंदू मुसलमान किसने किया, कोरोना में हिंदू धर्म कहां से आया, क्या सरकारों ने लाया या मरकज ने लाया? कोरोना में धर्म लाने का काम किया है लव अग्रवाल ने। लव अग्रवाल जो कि हेट अग्रवाल का काम किया, कैसे किया? 8 अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर का गाइडलाइन था, डू नॉट लेबल एनी कम्युनिटी और एरिया फॉर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। लेकिन 8 अप्रैल में ये गाइडलाइन होने के बावजूद भी वो लव हेट अग्रवाल जो है वो हमेशा आकर के मीडिया ब्रीफिंग देते रहे और वो हमेशा यही कहते रहे कि भाई तबलीगी जो है उसका इतना परसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे कोरोना केसेस में। ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनका ऑलरेडी गाइडलाइन आया हुआ था। अब जब उनको फटकार पड़ी तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया सिंगल सोर्स, जो आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी का ये हाल है कि वो अपने खुद के मिनिस्ट्री का गाइडलाइन फॉलो नहीं करती। दूसरी तरफ आपने सुना राघव चड्ढा जी को, राघव चड्ढा जी मैं मानता हूं कम्युनल नहीं है, लेकिन वो उनका जो अभी पॉलिटिक्स अच्छा, इनके लिए दीदी की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है नहीं जो आप लेके आए हैं अभी पर्चा बना के? नहीं, क्योंकि वो इनको मैं मानता हूँ ये सेक्युलर है, लेकिन क्योंकि इस मामले में है तो मैं इनको पकड़ूंगा यहाँ पर। नहीं, क्योंकि वो बचाव कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने तो एक लॉजिक दिया ना साथ में कि सोर्स तक पहुंचना पड़ता है। आपकी तरह थोड़ी की गिनती नहीं करनी, मर रहे तो पब्लिक को और बताना भी नहीं कि कितनों को बीमारी हो रही है कितनों को नहीं। सोर्स तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हर दिन आकर के मीडिया ब्रीफिंग में बताया जाए कि तबलीगी इतना किया है और नॉन तबलीगी इतना किया है। क्या मतलब है सोर्स तक पहुंचने का? आप बताइए ना क्या मतलब है सोर्स तक पहुंचने का? आप सोर्स तक पहुंचिए, उनको ट्रैक कीजिए, उनको क्वारंटीन में डालिए, लेकिन उनका धर्म बताना या उनका सोर्स बताना, उनका एरिया बताना, इसके बारे में खास तौर पे मना किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का 8 अप्रैल का जो गाइडलाइन है। अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? लेकिन इन सारे बातों का सिल्वर लाइनिंग रोहित सरदाना जी ये है कि आज हम इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि कोरोना को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। साहब आप आ गए हैं, हम लोग तो 20 दिन से कंडेम कर रहे हैं। आपका नंबर आ जाया है, हम लोग 20 दिन से कंडेम कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। ना आप चाहे टीवी देखते हैं ना टीवी पर होते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं लगा। नहीं, क्योंकि आप लोग लगे हुए थे आंकड़ा छुपाने में कि पता ना लग जाए हाँ कितने मरीज हैं यहाँ पर। आप एग्जोनरेट नहीं कर सकते, आज तक ने भी गलतियां की है और गुनाह किए हैं। आप इसे तो सर्टिफिकेट चाहिए आज तक को। जी हाँ, आप इसे तो सर्टिफिकेट चाहिए। आप खलीफा बैठे हैं वहाँ पर जो तय करेंगे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वो मौलाना आप हाथ नहीं डाल पाते उनके, तो वहाँ बैठ के धमकियां देते हैं लोगों को और आप यहाँ खलीफा बन के बैठ के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बैठ के। राघव चड्ढा को भी आप ही सर्टिफिकेट दे देंगे, मुझे भी आप ही दे देंगे और खुद का क्लीन चिट भी खुद ही छाप लेंगे बैठ के। 120 बिलियन US डॉलर का रुपया आता है भारत को। भारत के भारतीय लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में। रोहित जी मुझे मौका दीजिए, जरा एक्शन लिया गया है, इनको जवाब दे। बोला गया है मोदी जी को, उसके बाद मोदी जी ने पूरी तरीके से समर्थन किया है। अच्छा, और वो मोदी जी का ट्विटर हैंडल आप ही चलाते हैं कि आपको बताया मोदी जी ने मुझे अरब से कहा गया इसलिए तुम ट्वीट कर दो मेरे लिए? तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अब तो आसिफ खान अरबी लोगों, अब बोलने को तो क्या है ना कि आदमी कुछ भी बोल देता है बैठ के। कोई उसका आधार तो होना आपके पास, किस आधार पे आप ये बात करें कि आप देश का प्रधानमंत्री किसी गल्फ कंट्री के कहने से ट्वीट करता है? थोड़ा उसका आधार तो लाइए। गल्फ कंट्री में भारतीय काम करते हैं और भारतीयों को वहाँ से इंडिया में फॉरेन रेवेन्यू आता है 120। और ये उन्होंने ममता जी को फोन करके बताया जो आपको कहा गया कि बोलो यहाँ टीवी पर। अगर इसके बावजूद आपको हिंदू मुस्लिम करना है आप कीजिए, आप भारत में नफरत फैलाइए। तो आसिफ खान ये विक्टिम कार्ड हमेशा जेब में रेडी रखते हैं क्या आप लोग? जहाँ घिरने लगे गला अपना पकड़ने आए तो तुरंत कहने लग जाओ हाय हिंदू मुस्लिम कर दिया, हाय हिंदू मुस्लिम कर दिया। अगर भी नहीं आती आप लोगों को, पता नहीं वकालत कैसे करते होंगे कोर्ट में जाके। आप राघव चड्ढा गलती मानना चाहिए, सारी गलती तो मीडिया की है। आप लोगों के मुंह के आगे रख देते हैं आईना तो आपको लगता है अरे ऐसी शक्ल नहीं नहीं मीडिया ही गलत है, मेरा मुंह तो अच्छा था। एक बीजेपी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बीजेपी का एमपी, बहुत बढ़िया सर, जिसका भी मोज दाढ़ी तक नहीं निकला है सर। एक फ्रस्ट्रेटेड एडोलेसेंट बीजेपी का एमपी जिसका नाम तेजस्वी है, जिसका मोज दाढ़ी तक नहीं निकला है, वो हर दिन आकर के हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाता है। जामों की दुकानें बंद हैं, आप मूछ दाढ़ी नापते रहिए बैठ के किसकी कितनी है। रुक जाइए जी, अभी राघव चड्ढा को भी कहने लगेंगे आप, रुक जाइए। राघव चड्ढा नहीं है, आप तबलीगी जमात एक एनजीओ है,
ठीक उसी तरह आरएसएस एक एनजीओ है। अरे सर, अब आप पहले तय कर लीजिए, आप टीएमसी के समर्थक हैं कि तबलीगी जमात के वकील हैं? पहले आज आप ये बता दीजिए, आप टीएमसी के समर्थक हैं कि तबलीगी जमात के वकील हैं? आप ये तय कर लीजिए, आप तबलीगी जमात के वकील हैं क्या? मुस्लिम करेंगे, आप तबलीगी जमात के वकील हैं हाँ या ना? रोहित जी, तबलीगी जमात के वकील हैं हाँ या ना? अब तो मोदी जी ने भी दे दिया, तबलीगी जमात के वकील हैं हाँ या ना? आप वकील, हिम्मत नहीं पड़ रही ना? अरे वकालत करनी है, खुल के बोलिए तो चोरों की तरह पर्दे के पीछे से वकालत करने की बात है कि वकालत भी करूंगा और बोलने की हिम्मत भी नहीं है कि मैं वकालत करूंगा? तबलीगी जमात का पैरोकार हूं मैं बैठ के यहाँ पर, सब सामने नहीं बोलते हैं बैठ के। अब हो गया सर, प्लीज पता लगता है, बस कीजिए, बस कीजिए, तौसीफ खान बस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।